गुड मॉर्निंग गाइस, हैदराबाद में ना अभी विंटर स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है धीमी धीमी सुबह उठ के ना विंटर की सुबह बहुत अच्छा लगता है। धीमी धीमी एक ठंडी सी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। सो मैं ब्रेकफास्ट की थोड़ा प्रिपरेशन करके फिर निकलूँगी मॉर्निंग वॉक के लिए। ब्रेकफास्ट की आधी तैयारी हो गई है। सो यहाँ पे चटनी जो है ना वो पिस रहा है, बादाम की चटनी, शायद आप लोग नहीं देख पाए हो। इसमें डोसा का बैटर है, आके मैं बनाऊंगी। और इधर पे बॉयल्ड एग हो रहा है और यहाँ पे आलू की स्टफिंग बन के रेडी है। सो हमारा घर ही थोड़ा सा फास्ट है, अभी हम लोग जाएंगे, आधा घंटा वॉकिंग करके आएंगे। हो गया 8:30 बजे। हाँ, तो हम लोग 6:30 बजे जाते हैं। हाँ, क्या कर रहे तुम लोग, तुम उठते नहीं हो ना, 7:30 7:45 को उठते हो, फिर दबाई, फिर ये कब जाएंगे फिर। चलो, सो वॉकिंग करने के टाइम पे हम लोग कोशिश करते हैं कि मास्क ना पहने, क्योंकि वॉकिंग बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। आप भी कोशिश करना ऐसे अलोन प्लेस में वॉकिंग करने के लिए जहाँ पे आपको मतलब कोई नहीं रहता है। जैसे इस टाइम पे ना सुबह को वॉकिंग करते हैं लोग, जैसे 6 बजे 5 बजे, पर इस टाइम पे लोग नहीं रहते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग ऐसे मास्क जो है ना पॉकेट में रहता है, या दूर से कोई दिखाई देना कि उधर कोई आ रहा है तो फटाक से पहन लेते हैं। ऐसे करके चलना पड़ेगा और क्या करें। पर वॉकिंग के टाइम पे अनिर्बान तो नहीं पहन सकता है, मुझे भी बहुत बहुत ब्रीदिंग इशू होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करते हैं ना आधा घंटा, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, पर बाद में लगता है कि हवा नहीं आ रहा है। अंडा तो स्लीपर ही हो गया है, जिस तरह भी रखो अंडा ऐसा ही होता है। खेलो ना खावन नहीं, खेलो ना खाओ। और चारों तरफ से ना डोसा की खुशबू आ रहा था। मैंने बोला कि देखो किसी ने डोसा बनाया है, तो अनिर्बान ने पूछा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग भी डोसा बना रहे हैं। डोसा डे। तो अब इधर पे ना साउथ में ना ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में डोसा इडली पसंद करते हैं, एज यू नो दैट। तो क्या होता है कि मॉर्निंग वॉक में ना आप सारे घर से ना आपको डोसा इडली का वो जो बैटर है ना उसका ही स्मेल आता है। सुबह पे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उन लोगों को पता चलेगा, रास्ते पे बहुत सारा ऐसे बाइक में मतलब टेम्पोररी काइंड ऑफ जो लोग बैठते हैं ना 20 रुपए में देते हैं, उन लोगों को जो इडली होता है इतना अच्छा रहता है, मतलब पूछो मत, एकदम सॉफ्ट रहता है पूरा, दुकान में भी उतना अच्छा ही बनता है और फ्रेश देते हैं वो लोग बहुत। सो बिग बास्केट से ना मैंने कल ऑर्डर किया था थोर एंड मुचा बनाना फ्लावर एंड बनाना स्टीम, थोड़ा सा छोटा साइज में आया है। और गाजर बहुत आज फ्रेश लगा था, बीन्स आजकल मैं लेके आती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अनिर्बान को उपमा बहुत पसंद आ गया है, वो भी दलिया का, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ा सा परवल, तुराई,
पपाया यही लेके आई हूँ बस आज। और हाँ, बनाना भी लेके आई हूँ। खाने में आज मैंने ये सिंपल सा पनीर की सब्ज़ी, आलू पनीर बनाया है। ये रात को भी हो जाएगा। और मम्मी का फ़िश है, मम्मी फ़िश खाएंगी। और ये यहाँ पे मैंने, ये एक साग है, इसका नाम क्या है पता नहीं, नोटे शाग, डाटा शाग ऐसा मम्मी बोलती है। इसको मैंने चॉप कर दिया है, मम्मी इसको बनाएंगी। यहाँ पे मैंने दाल निकाल के रखा है, कल रात का है, एक्स्ट्रा हो गया था। दही और यहाँ पे आधा क्यूकम्बर, इसको काटना है। गाजर काटना है, सलाद बनानी है। यहाँ पे राइस चढ़ा दिया है बस, और कोई काम बाकी नहीं रहा। 12:30 बज गया है। माँ कोरोना हो सकता। ओए स्नाने जाओ। स्नाने स्नान करते जाओ। आपको पता है जब ये कॉलेज हॉस्टल में थे ना, और मैं कॉलेज जाती थी, और कॉलेज से ना मैं उसको फोन करती थी, एसएमएस करती थी कि नहाने जाओ नहाने जाओ। मेरे फ्रेंड्स ना आज भी मुझे पूछते हैं कि अनिल वंदा ठीक ठाक टाइम पे नहाते हैं, उसको बताना पड़ता था। ओके सो मैं नहाने जाऊंगी, पहले घर को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। मुझे ना कॉकरोच का कुछ करना पड़ेगा, आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, कि कॉकरोच और मच्छर बहुत बढ़ने लगे हैं इस वेदर में। हेलो, सुबह बहुत देर बाद मिल रही हूँ। एक्चुअली ना मुझे आजकल दोपहर की जो टाइम होता है ना, मुझे एकदम पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसे रोना आता है क्यों पता नहीं। क्या बोलूँ मैं ना, ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम से खुद को संभाल रही हूँ, पर अब जाके ना मेरा जो क्या बोलते हैं वो, ये है ना, हद है ना, वो पार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अलोन फील करती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर से लिसा बोलूँ भी नहीं है ना, और कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। सो मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि कितना बुरा लग रहा है। कि मुझे ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम दुर्गा पूजा में घर जा रहे हैं, और हम जब जाएंगे उसके बाद ही दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा हो गया है ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है। चलो लाइफ में कब क्या हो जाए नहीं पता। हम लोग जब जाएंगे तब 25 दिसंबर आएगा। उसके पहले मेरा बर्थडे भी है, पता नहीं मेरे बर्थडे पे हम इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, क्या होगा। सो फिलहाल कुछ स्नैक्स बनाते हैं। मैं सुबह को वो डोसा के लिए आलू बनाई थी ना, उसका बैटर से जो है ना, उसका जो आलू का स्टफिंग है ना, उसी से मैं सैंडविच बनाऊंगी। ये जो आलू की स्टफिंग है ना, इससे आप कभी सैंडविच बना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। और ब्रेड मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, टूट रहा है। इसके ऊपर से थोड़ा सा अगर मैं बटर डालती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसके अंदर केचप या तो ग्रीन चटनी डालती और भी अच्छा होता, पर मैं इसको ऐसे ही सादा ही बना रही हूँ, क्योंकि नहीं देना चाहती हूँ अनिर्वाण को ऐसा कुछ भी। बहुत गर्म है। खुशी सैंडविच बनी है। এইসবে তো খুব খুশি, অনেক দিন পর পাচ্ছে স্যান্ডউইচ ট্যান্ডউইচ। তাও নরমাল, সস ফস তো কিছু দিচ্ছি না। ঠিক আছে চলবে। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, देखो क्या लग रहा है। क्या लग रहा है कि हम लोग चोर पुलिस डाका बाबू खेलेंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये वाला देखो, ये करेंगे। एक्चुअली मेरे घर में बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गया है, इस सीजन में आई थिंक होता है। तो मैं ये बहुत दिन पहले लेके रखी थी कि घर जाने से पहले ना मैं ये करके रख के जाऊंगी। और आते ना आते आते, मतलब ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसीलिए और एक लेना पड़ा। तो एक बार अगर आप ये यूज़ करते हैं ना, तो मेरा तो 6-7 मंथ्स तक कोई भी कॉकरोच घर पे नहीं था। वो हीट स्प्रे होता है ना, आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि मौर्शिदा वो स्प्रे वाला यूज़ करो,
उस स्प्रे वाले में ना क्या वो होता वन टाइम यूज होता है, एक बार है, हाँ डालो करना चल चाहिए, जाता है करते फिर रहना से। चाहिए, पर इसमें ना वो प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार ऐसे लगा दो सारी जगह पे, बस अब देखना 6-7 महीने तक नहीं रहता। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। हाँ इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला। तो ये है वो खूबसूरत गंदी चीज जिसमें कॉकरोच मरेगा। तो आप देख सकते हो ऐसे नॉर्मल ऐसे इसको बस ओपन कर दो, ये सब पेन जैसे है। तो देखो मैं ना टिश्यू पेपर लेके रखी हूँ छोटा छोटा टुकड़ा करके, आप कोई भी पेपर में भी डाल सकते हो या तो यूं ही डाल सकते हो, पर यूं ही डालना मुझे पसंद नहीं, क्योंकि क्या होता है कि देखो मेरे बर्तन की जो रैक है ना उसमें ज़्यादा करके कॉकरोच होता है, तो बर्तन की रैक में मैं कहाँ पर डालूँगी, उसमें बर्तन टच होगा ना, वो मुझे नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं टिश्यू पेपर में ही डाल दूँगी। देखो बहुत सिंपल सा है। बस इतना सही काफी होता है। हाँ। पता नहीं कॉकरोच इससे कैसे मरेंगे, पर ये कॉकरोच तो आते नहीं है, मरते हैं कि नहीं मरते नहीं पता, पर आते नहीं है। क्या मतलब ससुराल में चले जाते हैं? हाँ कॉकरोच झींगा लाला हो जाता है कॉकरोच का। बट एक चीज है कि बच्चों से दूर रखना चाहिए। हाँ ये सब चीजें ना हमेशा बच्चों से दूर रखना, क्योंकि यू नेवर नो ना कब मुंह में डाल दे क्या कर दे, क्योंकि ये अच्छी चीज तो है नहीं, क्योंकि कोई इंसेक्ट मर रहा है तो उसके मतलब इसमें जहर जैसे कुछ चीज तो रहेगा ही रहेगा, तो उससे दूर रहना चाहिए। मैं भी टच नहीं करती हूँ, मैं आपको पुराना वाला दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखो ये मेरा 1 साल पहले मैंने लिया था, ये देखो 1 साल पहले मैं ये लिया था, पर इसमें पता नहीं क्यों होता नहीं था, ये एक्चुअली टूट गया है। हाँ ये पीछे ये से ना कुछ इसके अंदर है अभी भी है, पर ये टूट गया कैसे टूट गया पता नहीं, तो इसमें से नहीं निकलता था, ये नहीं निकलता। अभी अगर निकलेगा ना तो ये थोड़ा सा तो मतलब कॉस्टली है, 200 ज्यादा नहीं 200 है, तो हाँ अगर निकलेगा तो मैं निकल जाऊंगी घर से नहीं, पर ये बहुत अच्छा है, मैंने एक बार यूज किया था इतना अच्छा लगा था मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत एडवाइस दिया है कि ये करो वो करो, पर मुझे पता है इससे मरा था तो इसीलिए मैंने फिर से ऑर्डर किया है। इसको फेंक ही दूँ ना? हाँ क्या? कि कोई बचा आप तो था लास्ट में आप चले आए थे। चलो ये तो दीदी कहाँ कहाँ पे अभी होगा जगह? ये बर्तन की जो रैक होता है ना इसमें बहुत ज्यादा करके आ जाते हैं, तो बर्तन की रैक में मैं कहाँ लगाऊँ सभी जगह पे आई जाएंगे, तो ऐसा टिश्यू पेपर में डालने से ना बर्तन इसके ऊपर टच नहीं होगा, क्योंकि बर्तन लेके कभी कभी ना क्या होता है कि वॉश करके हम खाते हैं, पर कभी कभी भड़बड़ाए हट के क्या होता है कि इधर तो धुले हुए बर्तन रहते हैं ना ऐसे लेके डाल देती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो ये इसमें टच नहीं होना चाहिए मुझे ना, अभी टच का तो वो अवार्ड मिलना चाहिए किससे क्या टच हो रहा है आपको पता है मैं हॉस्पिटल में जब थी ना अनिल के साथ, तो मैंने उससे ज्यादा मेरा कपड़ा था, मैं क्या करती थी खाना लेने के लिए एवरीडे मुझे नीचे कैंटीन में जाना पड़ता था, और कैंटीन में इतना सारा पानी था उसमें मैं जाती थी और पूरा दुपट्टा ऐसे और, क्योंकि उतना रश रहता है ना हॉस्पिटल में, बहुत लोग रहते हैं स्पेशली AIG में, तो कभी सीटी नहीं मिलता इतना ज्यादा रश रहता है। अभी खाली है, अभी थोड़ा सा कम था, तो खाना लेने के लिए जाना पड़ता। ये एक डेढ़ दिन तक खाना नहीं खाया था, उसका सैलाइन उसी से हो रहा था, पर मुझे तो खाना खाना है ना, तो नीचे जाती थी खाना लेने के लिए, तो आके मैंने तुरंत मैं वॉशरूम जाके वो कपड़े चेंज करके और एक कपड़ा पहन के फिर साफ सफाई बहुत मेंटेन करती थी, फिर आके ना रूम में ऐसे चप्पल उठा के स्प्रे करती थी, क्योंकि रूम जो है ना वो सैनिटाइज फुल क्लीन था जब हमें दिया था, क्या बोलते उसको स्टेरिलाइज वगैरह सब कुछ, हाँ ऐसा वैसा ना उधर पे मैंने देखा इतने अच्छे से ना, मैं जाती आती थी ना तो हमेशा वो लोग क्लीन करते थे, तुम तो देखा ही नहीं, मैं देख क्लीन नहीं, वो लोग ना सैनिटाइज करते ना स्प्रे करते हैं ऐसे स्प्रे स्प्रे होता है ना ऐसे पीछे से एक पाइप आता है और पीछे में एक बैग जैसा रहता है और ऐसे ऐसे करता है वो, हम और मैं दिन में जब भी नीचे जाती थी तब भी देखती थी कुछ कभी ना कभी तो हो ही रहा है, तो
मेंटेन करता है, फिर भी मैं और वो एक अलग रूम में थे ना, तो उस रूम को मैंने मेरा घर जैसा बना लिया कि बाहर से आओ तो सैनिटाइज करो ये करो, तो उसी लिए तब से मुझे टच के ऊपर एक अलग वो हो गया है, क्या बोलो, एक्सपीरियंस टच हो गया है, अब मैं याद रखती हूँ अरे टच कर दिया इसको, मतलब सब कुछ टच में आ रहा है हाँ टच में आ रहा है, इधर को टच किया और इधर तुम्हारा राइस कुक हो गया, हो गया राइस कुकर में ना सुबह तो राइस बनाती हूँ मैं, फिर रख देती हूँ थोड़ा सा इसके लिए, ऐसे ही क्वांटिटी में बना दी कि थोड़ा सा रह जाए, फिर थोड़ा सा पानी लेके देखो फिर से कर लिया गरम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इस तरह झंझट भी नहीं होता है। राइस कुकर ना आप ले सकते हो एक, मतलब प्रेशर कुकर से भी अच्छा होता है, और स्टार्च जो मार बोलते हैं ना, अरे मैंने इस तरफ देख के बात करी थी सॉरी इधर लेंस है, सो वो जो स्टार्च होता है मार जिसको बोलते हैं ना, वो भी ना नीचे जमता है, तो अगर आप लोग वो हांडी में राइस खाते हो ना तो उसी तरह से ये बनता है तो अच्छा रहता है। और ये देखो मैंने सब्जी भी बना दिया है, झींगा डाल दिया, बताओ जरा ये कौन सी सब्जी है, ठीक है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कि कौन सबसे पहले ये जवाब दे पाता है, सब लोगों को मालूम है। नहीं सबको नहीं, एक्चुअली तुमको पता है ना, पर सबको नहीं मालूम है। और इधर देखो आप लोगों ने मुझे बोला था कि मोनिशिता खुद का ख्याल रखो, रख रही हूँ, ये है फुल क्रीम वाला मिल्क, ठीक है वो मैं जो ये स्टार्ट किया, हाँ मिल्क पी रही हूँ अभी, तो रात को मैं मिल्क पीती हूँ, मैं सैफरन हल्दी मिल्क पीती हूँ, तो एक तो मुझे एंजाइटी क्या बोलते पावर अटैक और पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है, जब से वो हॉस्पिटल में गए तब से मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो हल्दी वाला मिल्क पी के अगर आप सोते हो ना तो रात को अच्छे से नींद आता है, और नींद अगर अच्छा होता है ना तो आपका सभी प्रॉब्लम दूर हटता है, तो रात को ना मैं डिनर के बाद जिस 9 बज रहा है अभी, हम लोग डिनर कर लेंगे सब हो गया है, तो 10:30 बजे को मैं हल्दी दूध पीती हूँ, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, रात को अच्छे से सोती हूँ, धीरे धीरे करके ना मेरा जो वेट लॉस हुआ है वो भी मिल्क से ना अच्छा होता है, बॉडी थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है। उसके बाद बाहुबली हाँ केसर भी डालती हूँ ना, ताकि मैं थोड़ा सा और फेयर हो जाऊँ, गोरी बन जाऊँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाते आते आपको इनका सच्ची बात बताओ, हॉस्पिटल में जाके ना मुझे फील हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं फेस को वॉश करूँ, तो मेरे भैया आते जाते थे हॉस्पिटल में, तो साबुन और फेस वॉश मम्मी को मैंने बोला कि एक बैग में डाल के भैया के साथ भेज दो, तो मम्मी ने भेज दिया था, और मेरे भैया फेस वॉश लेके गए, और उससे पहले 10 दिन तक ये बीमार थे, मैंने नहीं किया फेस वॉश, घर पे ही थी और मुझे वो सोच भी नहीं आया, स्किन केयर भी तो छोड़ ही दो, फेस वॉश तक मैंने नहीं किया 10 दिनों तक, फिर हॉस्पिटल में जाके इतना नीचे जा रही आ रही हूँ ना, तो मुझे फेस वॉश करना था, तो फेस वॉश किया, तो अनिल ने बोला अरे तुम तो गोरे लग रहे हो, तो 10-12 दिन बाद मैंने फेस वॉश किया था, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो उसके लिए क्या, क्या चेंज हुआ था? और मेरा हाथ पैर ना ऐसे ना, मैं अनिल को हॉस्पिटल में दिखा रही थी, मैं डर गई क्या हो रहा है, इधर से ना पूरा वो स्किन ना उठ के ना ऐसे झुरझुर है, मतलब की बोलो झुरझुर पड़े अच्छे लग पूरा बड़ा एकदम, मैंने ऐसा ऐसा कर रही थी ना, तो मेरा पूरा स्किन ऐसा जा रहा था, मतलब कोई बॉडी लोशन नहीं कुछ नहीं, ऐसा वेदर चल रहा था, तो थोड़ा सा मैं काली भी हो गई, क्या करूं टाइम लगेगा सब कुछ सॉर्ट होने में, बस ये ठीक हो जाए ना एकदम तो मैं फुल ठीक हो जाऊंगी, ठीक है, सो इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूं, आशा करती हूं आप लोगों को अच्छा लगा है, लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।